नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल अर्थ प्रॉपर्टी एंड कंस्ट्रक्शन। दोस्तों जहां मिलते हैं आपको जेड से बने हुए मकान। दोस्तों इस बार की जो प्रॉपर्टी रहने वाली है दोस्तों सेम जेड से बने हुए मकान की रहने वाली है। 50 गज में जेड से बना हुआ इंडिपेंडेंट हाउस रहने वाला है। जमीन अंतर दोनों आपकी रहने वाली है। दोस्तों जो ये प्रॉपर्टी रहने वाली है 50 गज जेड से बना हुआ दो मंजिल वाली प्रॉपर्टी रहने वाली है, जिस प्रॉपर्टी में आपको 3 रूम मिलने वाले हैं, 2 वॉशरूम, 1 कार पार्किंग और साथ में आपको इसमें मिल जाता है मॉडुलर किचन। दोस्तों लोकेशन सेम हमारी उत्तम नगर मोहनगढ़ की लोकेशन रहने वाली है। दोस्तों और नियर बाय मेट्रो स्टेशन की बात करेंगे तो नियर बाय मेट्रो स्टेशन हमारा द्वारका मोड़ का रहने वाला है, जिसकी कनेक्टिविटी आपको घर के नियर अबाउट ही मिलने वाली है। दोस्तों प्राइस बहुत कम रहने वाला है, दोस्तों बहुत कम प्राइस है। छोटा सा डाउन पेमेंट देके दोस्तों इस प्रॉपर्टी को अपना बना सकते हैं। दोस्तों वीडियो में बने रहेंगे, मैं आपको प्राइस और इसका डाउन पेमेंट बताने वाला हूँ। दोस्तों लोकेशन में जैसा कि आपको बता चुका हूँ उत्तम नगर मोहनगढ़ की है। फैसिलिटीज हमारी सारी इस प्रॉपर्टी में रहने वाली है, जैसे कि समरसिबल हमारी हर एक प्रॉपर्टी में लगा होता है। दिल्ली जल बोर्ड के कनेक्शन हम लोगों ने आपके टेरिस पे कर दिया और बाहर आपके लिए एक पाइप छोड़ दिया जो अपना कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों सीवरेज लाइन यहाँ पे आई हुई है दोस्तों, और आईजीएल गैस पाइपलाइन भी आपको यहाँ मिल जाती है। एमिनिटीज की बात करेंगे तो यहाँ पे बच्चों के लिए गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल सारे मिलने वाले हैं। यहाँ पे आपको ग्रोसरी शॉप, जिम, बैंक, एटीएम सारा कुछ यहाँ मिलने वाला है दोस्तों। और इसमें दोस्तों लोन फैसिलिटी भी इसमें आप करा सकते हैं, बैंक से लोन इसमें अवेलेबल है। आप चाहें तो इसमें गवर्नमेंट बैंक से भी लोन ले सकते हैं। दोस्तों जो हमारी ये प्रॉपर्टी रहने वाली है दोस्तों मेट्रो स्टेशन से तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर के बीच में रहने वाली है। नियर बाय मेट्रो स्टेशन में आपको बता चुका हूँ द्वारका मोड़ का रहने वाला है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों जो भी नए व्यूअर्स हैं चैनल पे दोस्तों पहली बार है तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा दोस्तों, और वीडियो में बने रहे। वीडियो में मैं इस पर आपको पूरी डिटेल देने वाला हूँ। चलते हम अपने फ्रंट दोस्तों आगे हम अपनी गली में। जो हमारी गली रहने वाली है 15 से 17 फीट की आपको यहाँ पे गली मिल जाती है। गली का साइज काफी अच्छा रहने वाला, इजिली अपनी आप गाड़ी यहाँ पे ला सकते हैं। दोस्तों सीवरेज लाइन यहाँ पे दोस्तों डली हुई है और BSE का इलेक्ट्रिसिटी मीटर हमारा ऑलरेडी लगा हुआ है। दोस्तों ये देख सकते हैं ये हमारा पूरा फ्रंट एलिवेशन रहने वाला है। एलिवेशन आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है, फ्रंट पे आपको पूरा टाइल वर्क मिल जाता है। लाइटिंग वर्क, प्रोजेक्ट लाइट हम आपको पूरा फ्रंट पे लगा के देने वाले हैं। दोस्तों यहाँ हमारा आपको मिल जाता है रैम्प, रैम्प आपको हम लोग पूरा रेडी करके देंगे, क्योंकि हमारी जो भी प्रॉपर्टी है अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसमें छोटा मोटा फिनिशिंग वर्क है हम आपको पूरा करके देंगे। रैम्प पे हम लोग आपको पूरा यहाँ पे टाइल वर्क करके देने वाले हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि IGL गैस पाइपलाइन के कनेक्शन यहाँ पे हो रखे हैं, तो हम लोग का यहाँ पे IGL गैस पाइप का कनेक्शन हम लोगों ने बाहर आपके लिए किया हुआ है, आप अपने नाम से यहाँ पे दोस्तों करा सकते हैं। फ्रंट गेट जो हमारा रहने वाला आप देख सकते हैं, फ्रंट गेट आपको काफ़ी बड़ा मिल जाता है, काफ़ी बड़ा फ्रंट गेट रहने वाला है। डबल पल्ले में रहने वाला है, डबल शटर में रहने वाला है, आयरन का आपको यहाँ पे गेट मिल जाता है। दोस्तों साथ में आपको एक मिनी गेट मिल जाता है जिससे आप अपना अंदर एंट्रेंस कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम लोग इस गेट से अंदर एंट्रेंस करेंगे तो आप यहाँ पे एंट्रेंस करते ही सबसे पहले आपको मिल जाती है आपकी पार्किंग एरिया। अभी मैंने आपको बताया कि हमारी प्रॉपर्टी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, फिनिशिंग वर्क इसका मैक्सिमम 15-20 डेज में हम लोग आपको पूरा रेडी करके देने वाले हैं। दोस्तों कार पार्किंग काफ़ी बड़ी रहने वाली है, बड़ी से बड़ी गाड़ी आप अपनी पार्किंग में इजीली लगा सकते हैं। साथ में ही आपको हम लोग यहाँ पे पूरा 4-4 फुट तक पार्किंग में ही टाइल वर्क करके देने वाले हैं। दोस्तों चारों तरफ आपको पार्किंग में टाइल वर्क मिल जाता है, फुल सेलिंग का डिजाइन आपको पार्किंग एरिया में भी देखने को मिल जाता है। दोस्तों सामने ही आप देखेंगे आपके यहाँ हम लोगों ने MC बॉक्स दे रखे हैं। पार्किंग में मिल जाते हैं आपको आपके वाटर कनेक्शन जो कि हमारे स्टेयर के नीचे रहने वाले हैं। समर सिवल प्लस दिल्ली जल बोर्ड का कनेक्शन हम लोगों ने आपके स्टेयर के नीचे कर दिया। दोस्तों हम लोग आपको इसको पूरा कंप्लीट करके देने वाले हैं, सिर्फ 15 से 20 दिन का दोस्तों इसमें टाइम लगेगा, पूरा प्रॉपर्टी आपको रेडी करके देना। और अंडर बजट, कम बजट में ये प्रॉपर्टी रहने वाली है। डायमेंशन में आपको बता चुका हूँ 15x20 का, नियर बाय मेट्रो स्टेशन द्वारका मोड़। दोस्तों सारी फैसिलिटीज आपको नियर अबाउट मिलने वाले। लोग चलेंगे यहाँ से थोड़ा सा आगे तो सबसे पहले मैं दिखा दूँ आपको आपका वॉशरूम, जो वॉशरूम हमें मिलने वाला है साइज वाइज काफी अच्छा मिलने वाला है। आप देख सकते हैं इसका साइज काफी अच्छा रहने वाला है, शॉप के साथ ये कनेक्ट रहने वाला है। इस वॉशरूम के अंदर वेंटिलेशन की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं रहने वाली। दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे शॉप्स लगाई है जो कि हम लोगों ने विंडो से कवर की है। वॉशरूम के अंदर घुटन बिल्कुल नहीं रहने वाली, अगर आप चाहें तो अपना एग्जॉस्ट वगैरह यहाँ लगा सकते हैं। दोस्तों टाइल वर्क आप देखेंगे वॉल टू वॉल हम लोगों ने यहाँ पे टाइल वर्क यूज किया हुआ है, हाई ग्लोसी आपको यहाँ पे पूरा टाइल वर्क मिल जाता है। शू से लेकर एंड तक पूरा हम लोगों ने यहाँ पे टाइल वर्क किया हुआ है। ऊपर आपको 2 लाइटें मिल जाती है, लाइटिंग वर्क हम लोगों ने पूरा किया हुआ है। हम लोग यहाँ पे आपको जो टैब लगा के देने वाले सारे अच्छे क्वालिटी के टैब मिल जाएंगे। यहाँ हम लोग आपको पूरा शावर्स एंड यहाँ पे हम लोग आपको पूरा गीजर पॉइंट्स करके देने वाले हैं। दोस्तों काफी अच्छी है हमारी ये प्रॉपर्टी जाती है और साइज वाइज काफी अच्छा रहने वाला है। गेट की बात करेंगे तो गेट आप देख सकते हैं आपको जो यहाँ पे वुडन का गेट मिलना है, 2x8 फुट का आपको यहाँ पे वुडन का गेट मिल जाता है। दोस्तों चौखट हमारी जो रहने वाली है सेम आप देख सकते हैं आयरन की आपको यहाँ पे चौखट मिलने वाली है, काफी अच्छी मजबूत चौखट रहने वाली है, सीलन और पानी से गलने वाली नहीं है। हम लोग यहाँ से आगे चलेंगे तो हम लोग को मिल जाता है हमारा मास्टर बेडरूम।
सबसे पहले गेट की बात करें तो गेट आपको जो मिलने वाला आप देख सकते हैं, गेट आपको 4 बाय 8 फुट का गेट मिलने वाला। लेंथ वाइज हम लोग इसकी बात करेंगे तो 8 फुट वाइज हम लोग बात करेंगे तो तकरीबन आपको यहाँ पे जो मिलने वाला 4 फुट का डोर मिलने वाला। हैंडोलॉक आप देख सकते हैं काफी अच्छे क्वालिटी के हमारे यहाँ पे हैंडोलॉक रहने वाले। चौखट आपको सेम आपकी यहाँ आयरन की मिलने वाली है दोस्तों। अंदर एंट्रेंस करेंगे तो आप नीचे देख सकते हैं पूरा हम लोगों ने यहाँ पे टाइल वर्क किया हुआ है, अभी फिनिशिंग वर्क हुआ नहीं है, फिनिशिंग वर्क अनकम्प्लीट है, हम आपको पूरा रेडी करके देंगे दोस्तों। और जो हमारी फ्रंट वॉल है, फ्रंट वॉल पे हम लोग आपको पूरा वॉलपेपर के डिजाइन वर्क करके देने वाले हैं दोस्तों। आप ऊपर देख सकते हैं एक न्यू डिजाइन में, काफी अच्छे डिजाइन में आपको यहाँ पे पूरा फॉल सीलिंग का डिजाइन वर्क मिल जाता है दोस्तों। अगर दोस्तों हम लोग हाइट की बात करेंगे तो तकरीबन 12 फुट ऊंची आपको यहाँ पे रूम की हाइट मिल जाती है दोस्तों। काफी अच्छी यहाँ हाइट रहने वाली है, फॉल सीलिंग डिजाइन, लाइटिंग वर्क काफी अच्छा हम लोगों ने यहाँ किया हुआ है। फ्रंट पे ही आपको यहाँ मिल जाता है आपका एलईडी पैनल। एलईडी पैनल आप देख सकते हैं काफी साइज वाइज बड़ा रहने वाला, आप चाहें तो यहाँ पे बिग साइज का अपना एलईडी यहाँ लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं सनमाइका जो हम लोगों ने यूज किया हुआ है वुडन वर्क में है, वुडन कलर में है, प्लस यहाँ ब्लैक कलर में है दोस्तों। और आपको यहाँ पे हम पावर स्विच हम लोग आपको यहाँ पे पूरा लगा के देने वाले हैं। आप ऊपर देख सकते हैं ऊपर आपको पूरा फोकस लाइट वगैरह मिल जाता है, आप अब यहाँ पे लाइटिंग की प्रॉब्लम नहीं रहने वाली। ऊपर आपको स्पेस मिल जाता है, आप चाहें तो अपना सामान वगैरह यहाँ रख सकते हैं। साथ में ही आपको यहाँ पे 2 डोर मिल जाते हैं, आप अपना यहाँ भी सामान वगैरह काफी ज्यादा रख सकते हैं, यहाँ भी आपको स्पेस मिल जाता है, आप यहाँ भी अपना सामान वगैरह रख सकते हैं दोस्तों। साइज काफी अच्छा आपको आपके एलईडी पैनल का मिल जाता है। साथ में आपको आपको मिल जाती है वुड रॉक आपकी अलमीरा। अलमीरा आप देखेंगे दोस्तों हाइट वाइज तकरीबन 12 फुट की आपको यहाँ पे आपकी अलमीरा मिल जाती है दोस्तों। सेम सनमाइका हम लोगों ने यहाँ पे वुडन कलर में प्लस ब्लैक कलर में हम लोगों ने यहाँ पे सनमाइका यूज किया हुआ है। काफी हाइट वाइज आपको यहाँ पे आपकी अलमीरा मिल जाती है दोस्तों। नीचे आपको आपके पार्किंग के वाले रूम में भी आपको यहाँ पे अलमीरा मिल जाती है, प्लस आपको आपका जो फर्स्ट फ्लोर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वहां भी आपको अलमीरा दोस्तों देखने को। जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों इस प्रॉपर्टी में आपको 3 रूम मिलने वाले हैं, 2 वॉशरूम और 1 मॉडर्नर किचन। साथ में आपको 2 यहाँ पे आपको अलमीरा मिल जाते हैं, प्लस आपको 2 LCD पैनल मिल जाते हैं दोस्तों। हम लोग यहाँ से आगे चलेंगे तो यहाँ आपको मिल जाती है आपकी स्टेयर। आप स्टेयर देखेंगे, स्टेयर का साइज काफी बड़ा रहने वाला है, 3 फुट की आपको यहाँ पे स्टेयर मिल जाती है। हम लोगों ने यहाँ पे पूरा टाइल वर्क प्लस ग्रेट नाइट हम लोगों ने यहाँ पे स्टेयर पे यूज किया हुआ है। जो हमारी यहाँ पे आप देखेंगे रेलिंग रहने वाली है, रेलिंग आपको स्टेनलेस स्टील की रेलिंग मिल जाती है दोस्तों। काफी अच्छी हमारी प्रॉपर्टी रहने वाली है, सारी फैक्सिलिटीज आपको प्रॉपर्टी के नियर अबाउट मिलने वाली है। अंडर बजट ये प्रॉपर्टी रहने वाली है, डायमेंशन 15x30 का रहने वाला है दोस्तों। काफी अच्छी प्रॉपर्टी है। हम लोग चलेंगे अपना फर्स्ट फ्लोर, आगे अपना फर्स्ट फ्लोर पे ग्राउंड फ्लोर पे आपने देखा था आपको कार पार्किंग के साथ 1 रूम और 1 आपको वॉशरूम मिल जाता है। हम लोग अपना जैसे ऊपर आते हैं तो ये हम लोग का पूरा लॉबी एरिया रहने वाला है। लॉबी एरिया में इतना स्पेस है कि आप अपना यहाँ पे छोटा सा सोफा सेट भी यहाँ लगा सकते हैं। लॉबी एरिया में 2x4 की हम लोगों ने यहाँ पे पूरा टाइल वर्क यूज किया हुआ है दोस्तों। ऊपर आप देखेंगे तो आपको पूरा लाइटिंग वर्क मिल जाता है, फॉल्स सीलिंग का हम लोगों ने यहाँ पे डिजाइन किया हुआ है। ऊपर पूरा येलो कलर में एलईडी लाइट्स के साथ हम लोगों ने इसको पूरा कंप्लीट किया हुआ दोस्तों। यही हमारा मिल जाता है हम लोग को अपना पूरा मॉडुलर किचन। जो हमारा किचन रहने वाला है, किचन का दोस्तों साइज काफी बड़ा रहने वाला है। मैं आपको साइज दिखाऊं तो आप देख सकते हैं काफी बड़ा आपको यहाँ पे आपका किचन मिलने वाला है। एल शेप में हमारा यहाँ किचन रहने वाला है, किचन का साइज काफी बड़ा है। ये आप देख सकते हैं जो हम लोगों ने यहाँ पे स्लैब यूज किया है, ब्लैक कलर में यहाँ पे स्लैब यूज किया, पूरा एल शेप में हमारा यहाँ पे स्लैब रहने वाला दोस्तों। फुली मॉडल किचन रहने वाला है, इसमें हम आपको पूरा चिमनी वर्क करके देने वाले हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ हमारे आपको रैक मिल जाते हैं, रैक में हम लोगों ने जो सनमाइका यूज किया, आप सनमाइका देखेंगे तो वुडन कलर में काफी अच्छे कलर का यहाँ पे आपको पूरा सनमाइका वर्क देखने को मिल जाता है। नीचे हम लोगों ने ब्लैक कलर में यूज किया है और ऊपर हम लोगों ने वुडन कलर में यूज किया हुआ है। काफी अच्छा हम लोग का यहाँ पे सनमाइका का कॉम्बिनेशन रहने वाला है। फोकस लाइट्स हम लोगों ने यहाँ पे पूरा लगाया हुआ, लाइटिंग वर्क देख सकते हैं हम लोगों ने यहाँ पे पूरा किया हुआ दोस्तों। यहाँ पे आपको काफी अच्छे डोर मिल जाते हैं, आप देखेंगे साइज वाइज हम यहाँ पे दिखाएं तो हाइड्रोलिक आपको यहाँ पे ये पूरे डोर सिस्टम यहाँ देखने को मिल जाता है दोस्तों। यहाँ हम लोग देखेंगे तो यहाँ भी आपको काफी अच्छा स्पेस मिल जाता है, तो आप काफी ज्यादा अपना यहाँ पे अपना सामान वगैरह रख सकते हैं। जो हमारा ये किचन रहने वाला है फुली मॉडुलर किचन रहने वाला है, आप इसमें अपना काफी ज्यादा सामान वगैरह रख सकते हैं दोस्तों। बास्केट्स की बात करेंगे तो बास्केट आप देखेंगे हैंडल हमने काफी अच्छे लगाए हुए हैं। ये हमारी सारी बास्केट्स रहने वाली है एसएस की, स्टेनलेस स्टील की हमारी यहाँ पे सारी ये आपको बास्केट्स मिल जाती हैं। आप इसमें अपना काफी ज्यादा सामान रख सकते हैं। ये सारे हमारे यहाँ पे डोर मिल जाते हैं, मैं आपको डोर दिखाऊं तो आपको काफी ज्यादा स्पेसियस ये आपका किचन रहने वाला है दोस्तों। सनमाइका वर्क काफी अच्छा किया हुआ है, एल शेप में रहने वाला है। किचन के अंदर वेंटिलेशन की प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है क्योंकि किचन में हम लोगों ने यहाँ पे एक विंडो दे रखी है। मैं आपको विंडो दिखाऊं, विंडो आप देख सकते हैं काफी बड़े साइज में विंडो मिल जाती है। आप चाहे तो अपना एग्जॉस्ट वगैरह भी लगा सकते हैं और किचन के अंदर वेंटिलेशन की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं रहने वाली है। किचन में जस्ट स्लैब के सामने आप देखेंगे हम लोगों ने यहाँ पे
ब्लैक कलर में पूरा यहाँ पे टाइल वर्क किया हुआ है। अगर आप अपना खाना वाना बनाते हैं तो छींटे वगैरह जाती है, तो आप इसको यहाँ पे पूरा अपना वॉश वगैरह इजीली साफ कर सकते हैं। अगर आप अपना कोई भी होम अप्लाइंसेस चलाना चाहते हैं तो हम लोगों ने यहाँ पे स्विच वगैरह सारे दिए हुए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने जो सिंक दिया है, एंटी नॉइस से हम लोगों ने यहाँ पे सिंक दिया। अगर आप अपने बर्तन वगैरह धोते हैं तो इसमें आवाज नहीं आने वाली। और जो हमारे यहाँ पे टैप रहने वाले, टैप सारे आपको हम अच्छे क्वालिटी के टैप लगा के देने वाले हैं। अगर आप अपना आरओ लगाना चाहते हैं तो हम लोग आपको यहाँ पे एक टैप देंगे, आप अपना आरओ यहाँ लगा सकते हैं। पावर स्विच हम लोगों ने वहां पे आपको दे दिया दोस्तों। अगर अपना आरओ लगाते हैं तो काफी अच्छे से आप अपना इजीली यहाँ पे अपना आरओ लगा सकते हैं। किचन में ही आप देखेंगे आपको हम लोगों ने पूरा लाइटिंग वर्क करके दे रखा, फॉल सेलिंग का यहाँ पे डिजाइन वर्क दे रखा। काफी अच्छी हमारी प्रॉपर्टी रहने वाली है, जैसे मैं बता चुका हूँ। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन, छोटा मोटा फिनिशिंग वर्क अभी इसमें रहता है, जो हम आपको पूरा रेडी करके देते हैं दोस्तों। अगर आप अपना फ्रिज लगाना चाहते हैं तो हम लोगों ने यहाँ पे एक स्पेस दे रखा है, आप अपना यहाँ पे फ्रिज वगैरह लगा सकते हैं। पावर स्विच हम लोगों ने आपके यहाँ पे दे दिए हैं, आप अपना फ्रिज लगाते हैं तो अपना इसको यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। ये हमारा पूरा किचन एरिया था दोस्तों। हम लोग यहाँ से आगे निकलेंगे तो यहाँ मिल जाता है हमारे को हमारा एक रूम, जो हमारा बालकनी के साथ अटैच रहने वाला है। हम लोग सबसे पहले डोर की बात करें तो हम लोग के जो ये डोर रहने वाले हैं, आप देख सकते हैं 3 बाय 8 फुट का आपको यहाँ पे डोर का साइज मिल जाता है। डोर काफी मजबूत रहने वाला है, वुडन में है, और हैंडल लॉक काफी अच्छे आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं दोस्तों। हम लोग अपना बात करेंगे अपने चौखट की, तो चौखट आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे काफी अच्छे क्वालिटी के मिल जाते हैं। सारी चौखट आपको यहाँ पे आयरन की मिलने वाली दोस्तों। 50 गज जड़ से बना हुआ, 15 बाय 30 के डायमेंशन के साथ दोस्तों, विद कार पार्किंग नियर बाय मेट्रो स्टेशन द्वारका मोड़ के पास दोस्तों ये प्रॉपर्टी रहने वाली है। और मेट्रो कनेक्टिविटी आपको घर के बाहर से ही मिलने वाली है। हम लोग अंदर आएंगे तो ये हम लोग को यहाँ पे एक रूम मिल जाता है। रूम का साइज की बात करूं तो काफी बड़ा आपको यहाँ पे रूम का साइज मिल जाता है। नीचे हम लोगों ने 2 बाय 4 की फ्लोर टाइल्स यूज की हुई है, और जो हमारी ये फ्रंट वॉल रहने वाली है, फ्रंट वॉल पे हम लोग आपको पूरा वॉल पेपर का यहाँ पे डिजाइन वर्क करके देने वाले हैं दोस्तों। यहाँ आपको विंडो मिल जाता है, विंडो सेक्शन काफी बड़ा रहने वाला है। अगर आप अपना यहाँ पे एसी लगाना चाहते हैं तो ग्लास वर्क हटा के अपना एसी लगा सकते हैं। पावर स्विच हम लोगों ने यहाँ पे दे रखे हैं। अगर आप कूलर वगैरह लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे हम लोगों ने स्विच वगैरह दे रखे हैं, एमसी बॉक्स सारे दे रखे हैं। विंडो सेक्शन काफी बड़ा मिल जाता है, और यहाँ पे हमको मिल जाता है हमारा एलईडी पैनल। अगर आप अपना एलईडी टीवी लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं, साइज वाइज काफी अच्छे में मिलने वाला, वुडन कलर में ही आपको यहाँ पे सनमाइका हम लोगों ने यूज किया हुआ है। और लाइटिंग वर्क आप देखेंगे, यहाँ भी हम लोगों ने आपको पूरा फोकस लाइट लाइटिंग वर्क करके दे रखा है दोस्तों। यहाँ आपको आपके स्विच वगैरह मिल जाते हैं, जो आप अपना यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ हम लोगों ने आपको देख सकते हैं एक डिजाइनर दार आपको हम लोगों ने यहाँ पे आपको रैक बना के दे रखे हैं, आप अपना काफी ज्यादा सामान यहाँ रख सकते हैं। ये है आपको यहाँ पे डोर मिल जाते हैं, जो आप अपने यहाँ से खोल सकते हैं और अपना सामान वगैरह यहाँ सारा रख सकते हैं दोस्तों। काफी अच्छी हमारी प्रॉपर्टी हो जाती है, और कम बजट में हमारी प्रॉपर्टी रहने वाली है। प्राइस जैसा कि मैं आपको बोल रहा था कि मैं आपको प्राइस बताने वाला हूँ दोस्तों, डाउन पेमेंट इसकी जो रहने वाली है सिर्फ 8 लाख रुपए इसकी डाउन पेमेंट रहने वाली है। 8 से 10 लाख रुपए देके इस प्रॉपर्टी को अपना बना सकते दोस्तों। इसी रूम में आपको फॉल सीलिंग का डिजाइन भी मिल जाता है। आप देखेंगे यहाँ पे आपको एक न्यू डिजाइन में पूरा फॉल सीलिंग का डिजाइन वर्क मिलने वाला। फोकस लाइट हम लोगों ने यहाँ पे लगाई है, प्लस अंदर आप देख सकते हैं हम लोगों ने पूरा येलो कलर में एलईडी लाइट वर्क यहाँ पे किया हुआ दोस्तों। यहाँ से आगे निकलेंगे तो हम लोग को मिल जाता है हमारा गेट, जो हम लोगों ने सिक्योरिटी पर्पज से आपके बालकनी के पास जो गेट यूज किया है, 3 बाय 8 फुट का गेट यूज किया है, वुडन वर्क में है, काफी मजबूत आपका गेट रहने वाला है। और जो चौखट तो मैं आपको बता चुका हूँ, जो चौखट है सारी सेम आपकी यहाँ आयरन की रहने वाली है। हम लोग यहाँ पे आएंगे तो हमारी बालकनी मिल जाती है दोस्तों। बालकनी में हम लोग आपको यहाँ पे पूरी SS की ग्रिल लगा के देने विद टफन ग्लास के साथ, SS की ग्रिल रहेगी, जो हमारी टफन ग्लास के साथ हमारी यहाँ पे SS की ग्रिल रहने वाली है। और बालकनी का आपका एरिया जो मिलने वाला काफी चौड़ा आपको यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाता है आपका बालकनी का दोस्तों। सेम यहाँ पे देख सकते हैं फ्लोर टाइल्स हम लोगों ने यहाँ भी यूज की हुई है दोस्तों। अगर आप अपना यहाँ पे वॉशिंग मशीन वगैरह लगाना चाहते हैं तो हम लोगों ने यहाँ पे एक टैप दे दिया है, हम लोग इसको पूरा आपको रेडी करके देंगे। टैप दे दिया, प्लस हम लोगों ने लगा सकते हैं, और पावर स्विच हम लोगों ने यहाँ पे दे दिया है दोस्तों। हम लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने ऊपर जो लाइटिंग वर्क किया, ऊपर पूरा आपको पूरा लाइटिंग वर्क मिल जाता है काफी अच्छे डिजाइन में। और यहाँ आपकी जो विंडो रहने वाली है, जो हमारे किचन के साथ कनेक्ट रहने वाली है। हम लोग यहाँ से आगे चलेंगे तो हम लोग अपना देख लेते हैं मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम में हम लोग जैसे आएंगे तो सबसे पहले आपको मिल जाता है यहाँ पे आपका वॉशरूम। वॉशरूम का साइज काफी अच्छा रहने वाला है, इसमें हम लोगों ने शार्प्स यूज की हुई है। वॉशरूम में वेंटिलेशन की प्रॉब्लम नहीं रहने। वॉशरूम में हम लोगों ने जो चौखट यूज की है सेम आप देख सकते हैं आयरन के चौखट रहने वाली है, पानी से ये गलने वाली नहीं है। और यहाँ पे जो हम लोगों ने गेट यूज किया है 2 बाय 8 फुट का, हम लोगों ने यहाँ पे वुडन का गेट यूज किया और काफी मजबूत सेम आपको यहाँ पे गेट रहने वाले हैं दोस्तों। हम लोगों ने वॉशरूम के अंदर वेंटिलेशन ना हो तो शार्प्स यहाँ हम लोगों ने यहाँ पे दे रखी है, आप अपना यहाँ इसको अपना ओपन कर सकते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे कि हवा आपके पास होती रहेगी। ये हम लोगों ने यहाँ पे पूरा शार्प्स वगैरह दे रखा है दोस्तों।
वॉशरूम का साइज यहाँ पे आपको काफी बड़ा मिल जाता है। आप देख सकते हैं नीचे हम लोगों ने पूरा यहाँ पे टाइल वर्क यूज किया हुआ है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसके अंदर भी फिनिशिंग वर्क होना बाकी है। इंडियन वेस्टर्न पॉट जैसा आप बोलेंगे हम लोग आपको पूरा करके देने वाले हैं। और टाइल वर्क आप देखेंगे वॉल टू वॉल आपको पूरा यहाँ पे टाइल वर्क चारों साइड मिलने वाला दोस्तों। टैप सारे हमारे यहाँ पे जो रहने वाले अच्छे क्वालिटी के आपको हम लोग यहाँ पे टैप लगा के देने वाले हैं। हम लोग यहाँ पे आपको पूरा शावर एंड गीजर पॉइंट सारे यहाँ पे कनेक्ट करके देने वाले हैं। वॉशरूम में ही हम लोग आपको यहाँ पे एक छोटा सा मिनी वॉश बेसिन भी लगा के देने वाले हैं। हम लोग यहाँ से आगे निकलेंगे तो आ जाते हैं अपने मास्टर बेडरूम में। उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे आपको मिल जाती है आपकी स्टेयर, जो हमारे टेरेस एरिया के लिए स्टेयर रहने वाली है। रेलिंग आपको यहाँ पे जो मिलेगी पूरी रेलिंग आप देख सकते हैं एसएस की आपको यहाँ पे पूरी रेलिंग वर्क देखने को मिल जाता है। और स्टेयर का साइज काफी बड़ा रहने वाला है, 3 फुट की आपको यहाँ पे स्टेयर मिल जाती है। और जो स्टेप हैं काफी इजी रहने वाले हैं। ग्रेनाइट वर्क प्लस टाइल वर्क हम लोगों ने आपके स्टेयर पे यूज किया हुआ है। हम लोग अपना अंदर चलेंगे मास्टर बेडरूम पे, तो मास्टर बेडरूम में हम लोगों ने जो गेट यूज आप देख सकते हैं गेट आपको यहाँ पे जो मिलेगा आपको वुडन का गेट मिल जाता है 3 बाय 8 फुट का। 3 फुट इसकी चौड़ाई रहने वाली है, 8 फुट इसकी लेंथ रहने वाली है दोस्तों। और चौखट सेम सारी आपको यहाँ पे आयरन की मिलने वाली है। हम लोग अंदर एंट्रेंस करेंगे। एंट्रेंस में दोस्तों सबसे पहले जो यहाँ पे मैं साइज दिखा दूँ, चलिए हम लोग साइज की बात करेंगे तो साइज काफी बड़ा यहाँ पे आपको मिलने वाला है। साइज की बात करेंगे तो 12 बाय 10 का आपको यहाँ पे रूम का साइज मिलने वाला। फ्लोर टाइल्स हम लोगों ने यहाँ पे पूरी यूज की हुई है और फ्रंट वॉल हम लोगों ने यहाँ पे आपको डिजाइनर दार वॉल पेपर्स के साथ हम लोगों ने यहाँ पे रेडी करके दी हुई है। वॉल्स हमारी काफी अच्छी रहने वाली है और ऊपर आप देख सकते हैं फॉल सीलिंग का डिजाइन, न्यू डिजाइन में न्यू लुक में आपको फॉल सीलिंग का यहाँ पे डिजाइन वर्क मिल जाता है दोस्तों। 15 बाय 30 50 गज जेट से बना हुआ जमीन और छत दोनों आपकी रहने वाली है दोस्तों। लो बजट में है, कम बजट में ये प्रॉपर्टी रहने वाली है। सिर्फ 8 से 10 लाख रुपए देंगे दोस्तों इस प्रॉपर्टी को ऊपर बना सकते हैं। अगर प्राइस की बात करें तो प्राइस इसका सिर्फ 55 लाख रुपीज, 55 लाख रुपए दोस्तों इसका प्राइस रहने वाला है। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, मिनिमम 15 to 20 डेज में हम आपको इसको पूरी प्रॉपर्टी रेडी करके देने वाले दोस्तों। यहीं आपको एक मिल जाएगा आपका वुड्रॉप। हम बात करिए अपनी अलमीरा की, तो अलमीरा का आप साइज देखेंगे ना तो साइज आपको काफी बड़ा मिलने वाला है। हाइट इसकी तकरीबन आपको 12 फीट की आपको यहाँ पे अलमीरा मिलने वाली है। 3 बाय 12 फुट की अलमीरा मिल जाती है, काफी चौड़ी आपको यहाँ पे अलमीरा मिलने वाली है। मैं आपको खोल के दिखाऊं तो जो हमारी अलमीरा रहने वाली है आप देख सकते हैं दोस्तों काफी बड़ी आपको यहाँ पे अलमीरा मिल जाती है और ऊपर भी आपको यहाँ पे स्पेस मिल जाता है, आप अपना सामान वगैरह काफी ज्यादा यहाँ रख सकते हैं। सनमाइका सेम हम लोगों ने यहाँ पे ब्लैक कलर प्लस वुडन वर्क में यहाँ पे सनमाइका यूज किया हुआ है। यहाँ पे हम लोग आपको पूरा वुड्रॉप के पास ऊपर लाइटिंग वर्क करके देने वाले हैं। हम लोग यहाँ से आगे चलेंगे तो हम लोग चलेंगे अपने टेरेस एरिया पे दोस्तों। ये हमारे टेरेस एरिया के लिए स्टे रहने वाली है। हम लोग चलेंगे अपने टेरेस एरिया दोस्तों, आगे हम अपने टेरेस एरिया पे, हमने जो अपनी वीडियो शुरू की थी अपने टेरेस एरिया से की थी, ये हमारा पूरा टेरेस एरिया रहने वाला है। आप देख सकते हैं दोस्तों डायमेंशन जो इसका रहने वाला है 15 बाय 30 का रहने वाला है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। टेरेस एरिया पे आप देख सकते हैं पूरा आपको यहाँ पे टाइल वर्क मिलने वाला है। 2 बाय 4 के यहाँ पे हम लोगों ने पूरी आपको टाइल वर्क किया हुआ है दोस्तों। लेंटर वाली प्रॉपर्टी है तो इस प्रॉपर्टी में पिलर ऑलरेडी डले हुए हैं दोस्तों। यहाँ पर हम लोग आपको पूरा आप देख सकते हैं जो फ्रंट हम लोगों ने यहाँ पे छोड़ा हुआ है, यहाँ पे हम आपको पूरी एसएस के ग्रिल लगा के देने वाले हैं। और जो वाटर टैंक है आप देख सकते हैं 750 लीटर का हम लोगों ने यहाँ पे वाटर टैंक लगाया हुआ है। बात कर लेते हैं अपनी प्रॉपर्टी के पिलर्स की मजबूती की, तो आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे एक पिलर यहाँ मिल जाता है और एक पिलर दोस्तों आपको यहाँ मिल जाता है और थर्ड पिलर आपको आपके प्रॉपर्टी के एंड में मिल जाता है। जो हमारी ये प्रॉपर्टी है दोस्तों आपको मैंने दिखाया कि शाफ्ट्स यहाँ पे लगी हुई है, घर के अंदर वेंटिलेशन की प्रॉब्लम नहीं रहने वाली, तो यहाँ पे आपको ये शाफ्ट्स एरिया मिल जाता है। इसको हम लोग आपको पूरा कंप्लीट करके देने वाले हैं दोस्तों। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कम बजट में प्रॉपर्टी रहने वाली है। प्राइस जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया नियर बाय मेट्रो स्टेशन द्वारका मोड़ का रहने वाला। अगर आप अपना यहाँ पे इन्वर्टर लगाना चाहते हैं तो सीढ़ियों के पास में हम लोगों ने यहाँ पे स्पेस दे दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाता है, आप चाहे तो अपना इन्वर्टर लगा सकते हैं। प्लग्स हम लोगों ने यहाँ पे लगाए हुए हैं और जो सिक्योरिटी पर्पज से यहाँ पे आपको गेट मिल जाता है। गेट आप देखेंगे यहाँ पे आपको काफी मजबूत यहाँ पे आयरन का गेट मिलने वाला दोस्तों। इस साइड पे थोड़ा सा आगे चलेंगे तो यहाँ आपके वो शॉप एरिया मिल जाते हैं जो कि हम लोगों ने पूरे रूम के अंदर दे रखे हैं। इसको हम लोग पूरा आपको कवर करके देने दोस्तों। साइड विजिट के लिए हम लोगों ने स्क्रीन पे नंबर दे रखे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं दोस्तों। मैं राम आपसे अलविदा लेता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।